नमस्कार, मैं आपकी वास्तुगुरु मान्या। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, स्विचवर्ड एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्विचवर्ड्स की जो आप इस होली के शुभ अवसर पे चैंट कर सकते हैं, और ये स्विचवर्ड्स आपकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार भर देंगे। देखिए, अगर आपके मैरिड लाइफ में विवाद चल रहा है या फिर आपकी किसी भी बिलवड से आपका कोई झगड़ा हो गया है, तो प्रतिदिन इस योग में इन स्विचवर्ड्स को आप चैंट करें। इस चैंट से आपको जो है, जो विवाद है वो ख़त्म होगा, आपके प्रेमी के साथ आपका जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग होगा, और ये जो भावना है, ये प्यार की भावना जागृत होगी। आइए जानते हैं कि स्विचवर्ड्स को चैंट कैसे करना है। देखिए, बहुत ही आसान है। अपनी नीड, अपनी प्रॉब्लम और या फिर अपने गोल के हिसाब से आप सही स्विचवर्ड को चुन लें, उसके बाद चैंटिंग शुरू कर लें। फिर योगी चैंट जो मंत्रास होते हैं, जैसे कि 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार, इस तरीके से अपने चैंट्स को करें। आप जितना अधिक इसको जो है, इसका जप करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि स्विचवर्ड को चैंट करने का दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक कागज़ ले लें, एक वाइट कलर का पेपर ले लें। देखिए, चैंटिंग की तरह ही पहले राइट स्विचवर्ड को आप चूज कर लें, फिर अपने मूड को पॉजिटिव करें, क्योंकि जब तक हमारा मूड पॉजिटिव नहीं होगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने मूड को पॉजिटिव करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए। अब अपने स्विचवर्ड को आप कागज़ पर लिखें। अगर आप एक समय में एक पेज लिखते हैं, यानी कि 108 बार उसको लिखते हैं, तो ये आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और साथ में इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि होली के लिए बेस्ट स्विचवर्ड्स आपके कौन से रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राधा कृष्ण की। देखिए, राधा कृष्ण एक वैदिक वर्ड है जो आपकी सभी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इसका जाप करना, अगर आप इसका जाप शुरू करते हैं होली के दिन से, तो वो 45 डेज तक लगातार आपको जाप करना है। और कितनी बार जाप करना है? 108 बार जाप करना है। इसके जाप करने से आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, उसमें आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रेंथन डेफिनेटली स्ट्रांग होंगे। आइए जानते हैं दूसरा स्विचवर्ड। तो देखिए, दूसरा जो स्विचवर्ड है वो है पंचकन्या। रिश्ते में अगर लॉयल्टी के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, अगर आप पंच कन्या इस स्विचवर्ड को आप रेगुलरली चैंट करते हैं, या इस स्विचवर्ड को आप रेगुलरली लिखते हैं, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ तक कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहते हैं, तो भी आप इस स्विचवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आपको इस वर्ड को ब्लू कलर या फिर रेड पेन से 108 बार लिखना है। शुरू कब से करना है? होली वाले दिन से करना है, और 45 दिन लगातार आप इसको लिखें। आइए जानते हैं तीसरे बहुत ही इफ़ेक्टिव स्विचवर्ड के बारे में। इसका नाम है मधुरम भार्या। एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए आप इस स्विचवर्ड को 108 बार ज़रूर लिखें, और साथ में आपको लिखना कौन से कलर से है? ग्रीन पेन से अगर आप लिखेंगे, तो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमेशा बना रहेगा। आपकी लाइफ में अगर जीवन साथी नहीं है, तो आपको जीवन साथी मिल जाएगा। अगर आपकी लाइफ में लव की कमी है, तो लव की कमी पूरी करेगा। तो इसको आप होली वाले दिन ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं अपने चौथे स्विचवर्ड को, जो कि है रास लीला। जी हाँ, नाम से ही आप जान गए होंगे। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में प्यार बढ़ाना चाहते हैं, रोमांस वापस चाहते हैं, तो आपको इस स्विच वर्ड को ज़रूर यूज़ करना है। ये वर्ड आपको आपके पार्टनर के साथ बॉन्डिंग करके देगा, और साथ में आपको लिखना कौन से कलर से है? आपको ग्रीन पेन से लिखना है, और 108 बार लिखना है। आप होली वाले दिन इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और लगातार आप इसे 45 डेज तक लिखें। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कलर्स के सिग्निफिकेंस। जो होली पे कलर्स आप यूज़ करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, रेड और ग्रीन कलर जो है, वो पावर और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ऑरेंज कलर और पिंक कलर पैशन और लव का सिग्निफाई करता है।
ब्लू कलर जो होता है, पर्पल कलर जो होता है, वो रॉयलिटी और डीप बॉन्डिंग को दर्शाता है। इस होली के पावन अवसर पर अपने बिलवड, अपने लव्ड वंस को इन रंगों से आप रंग दीजिए और सबकी लाइफ में प्यार घोल दीजिए। तो देखिए कितना ही आसान इजी रेमेडीज हैं कि स्विच वर्ड्स को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं आप उसको दूर कर सकते हैं। इन कलर्स को डेफिनेटली यूज़ करें, आपकी होली बहुत ही मंगलमय हो, आपकी होली बहुत ही प्यारी जाए, अपने लव्ड वन के साथ आप उसको बहुत खुशियों से मनाएं, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार और हैप्पी होली।